वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, जिस मोमेंट का इंतजार था मतलब काफी लंबे समय से, वो अब हो चुका है हकीकत। कैसे? सालार की ट्रेलर रिलीज डेट आ गई है और इसके साथ मैं आपको एक और बिग अपडेट दूंगा जो आपके लिए बोनस टिप होगा, तो इसलिए आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब, सालार की ट्रेलर रिलीज की डेट ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है और वो मेकर्स ने ही रिवील आउट करी है। वही सब इस बीच इतनी मोमेंट देखने को मिले, इतने सारे र्यूमर्स देखने को मिले कि सालार मूवी पोस्टपोन हो गई, ये हो गया, डायनासोर डर गया, प्रशांत नील क्या कहते हैं शाहरुख खान से डर गए। इट मीन्स ये कि कुछ एक चीज़ें ये भी निकल के आ रही थी कि 2018 में जब KGF उन्होंने रिलीज करी थी प्रशांत नील ने, तो वहाँ पर जीरो मूवी को बहुत ज़्यादा घाटा देखने को मिला था क्योंकि आमने सामने ये मूवी रिलीज हुई थी और KGF ने पूरा का पूरा सिनेमा मतलब पूरा का पूरा वाइब अपनी तरफ खींच लिया था। तो ये सब चीज़ें लगातार चल रही थी, फैंस के बीच में वॉर्स देखने को मिल रहा था, लेकिन सालार के फैंस मतलब प्रभास के फैंस, जिस मूवी का लोग इतने समय से इंतजार कर रहे थे, जो मूवी बार बार पोस्टपोन हो जा रही थी, एक्चुअल डेट 28 सितंबर थी इसकी आने को, लेकिन उस टाइम पर ही पोस्टपोन हो गई, लेकिन अब 22 दिसंबर आई। इस बीच भी लग रहा था देखने को कि भाई साहब ये मूवी पोस्टपोन हो जाएगी और इस पर एक दो वीडियो मैंने भी बनाई थी। यस, यहाँ से ये रूमर्स भी निकल कर आ रहा था कि ये मूवी और आगे निकलने वाली है या क्लैश से डर गई है या फिर जो डंकी की मतलब शाहरुख खान की जो फॉर्म चल रही है इसके बीच थोड़ा सा डायनासोर घबरा गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। भाई साहब, इनके सामने आना मतलब इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी क्योंकि पठान और जवान ये दोनों मूवी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं और इस टाइम शाहरुख खान का नाम ही काफ़ी है किसी भी मूवी को हिट करने के लिए, लेकिन उस मूवी के साथ सीधे क्लैश कर रहे हैं, उस स्टारडम के साथ सीधे क्लैश कर रहे हैं जो अभी टॉप पर चल रहा है और प्रभास का स्टारडम ख़त्म नहीं हुआ है, उसकी जरा किस्मत इस यहाँ पर चल रही क्योंकि आदि पुरुष जैसे के साथ कोई भी मूवी मतलब बाहुबली 2 के बाद वो हाई पीक नहीं देखने को मिली है। बस सालार से ये उम्मीद लगाई जा रही कि ये मूवी फाड़ के जाएगी और डेफिनेटली फाड़ के जाएगी। बाय गॉड, एक बार देखने के लिए लग रहा है कि यस डंकी से ज़्यादा कमाई करके ले जा सकती है क्योंकि एक्शन मास मसाला देखने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं और जिस मूवी में प्रभास का नाम जुड़ा रहेगा, जिस मूवी में KGF यूनिवर्स से प्रशांत नील मास्टरमाइंड जो KGF यूनिवर्स के हैं प्रशांत नील का नाम जुड़ा रहेगा, तो भाई उस मूवी को कौन नहीं देखना चाहेगा। तो दैट्स वाई कि सालार के लिए लोग इतना वेट कर रहे हैं और ये मूवी ज़बरदस्त फाड़ के जाने वाली है। तो टाइम खोटी नहीं करते हैं, ट्रेलर रिलीज डेट आ चुकी है, 1 दिसंबर को आपको ट्रेलर मिल जाएगा। जी हाँ, जिस दिन 1 दिसंबर को एनिमल मूवी रिलीज होनी है एंड सैम बहादुर मूवी रिलीज होनी है, तो एनिमल का क्या कनेक्शन हो सकता है? देखो, एनिमल मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं AA फिल्म्स वाले एंड सालार मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर भी AA फिल्म्स ही है, तो यहाँ इन्होंने बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी सेट करने की कोशिश करी और इसका इन्हें फ़ायदा भी मिलने वाला है। एनिमल मूवी जब जब थिएटर हाउस में चलेगी तब तब वहाँ पर सालार मूवी का ट्रेलर भी दिखाया जाएगा। भाई साहब, तो इससे अच्छा प्रमोशन स्ट्रेटजी और क्या हो सकता है? और एनिमल मूवी कोई ऐसी नहीं है कि 4 दिन टिकेगी या 5 दिन टिकेगी, ये मूवी लॉन्ग लास्ट टिकेगी, 20-22 दिन ईजिली टिकने वाली है थिएटर हाउस में, और जब तक ये थिएटर हाउस में टिकेगी तब तक सालार का भी ट्रेलर रिलीज होगा। तो भाई साहब, 22 दिसंबर को मूवी रिलीज होनी है, इससे पहले हर दिन 3-4 मतलब जितने बार भी थिएटर हाउस में एनिमल मूवी चलने वाली है और डेफिनेटली चलने वाली है ये मूवी, तो सालार का ट्रेलर भी हमें देखने को मिलने वाला है। तो भाई, इससे सॉलिड प्रमोशन स्ट्रेटेजी और क्या हो सकती है? मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, और डंकी के साथ भाई क्लैश करना है, डंकी के साथ अगर आगे भिड़ना है, शाहरुख खान के स्टारडम के सामने भिड़ना है, तो भाई ये चीज़ तो आपको दिमाग लगा के करना ही पड़ेगा। सेकंड अपडेट ये है कि सालार के जो फर्स्ट आइटम सॉन्ग है उसकी शूटिंग अब स्टार्ट हो चुकी है और ये सॉन्ग हमें कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगा। हो सकता है ट्रेलर से पहले ही देखने को मिल जाए, हो सकता है 1 दिसंबर के 2-4 दिन बाद देखने को मिल जाए, लेकिन मे बी पॉसिबिलिटी है कि 1 दिसंबर से पहले मतलब एंड ऑफ दिस नवंबर हमें यह सॉन्ग देखने को मिल जाएगा क्योंकि इसमें बहुत ही सॉलिड फेस जुड़ गया है। तो फर्स्ट जो आइटम सॉन्ग आना है इसमें कौन जुड़ गया है? सिमरत कौर, इफ यू रिमेंबर द एक्ट्रेस फ्रॉम जाइगेंटिक मैमथ ब्लॉकबस्टर गदर 2। भाई साहब, उसकी जो लीड एक्ट्रेस एक बार के लिए कह सकते हैं सेकंड लीड एक्ट्रेस, क्योंकि फर्स्ट लीड एक्ट्रेस तो हमारी अमीषा पटेल थी ही थी, लेकिन उतना उनका कोई रोल था नहीं क्योंकि मूवी घूमी थी सिमरत कौर एंड सनी देओल के बेटे जीते के आसपास, तो भाई हम उसे सेकंड लीड एक बार के लिए कह सकते हैं। तो वो यहाँ जुड़ने वाली हैं, जो आइटम सॉन्ग हमें मिलने वाला है, दैट्स वाई कि यहाँ से प्रमोशन स्ट्रेटजी बहुत फाड़ होने वाली है और मूवी यहाँ से बहुत फाड़ करने भी वाली है।
तो यहाँ किस चीज़ का इंतजार है? सालार का ट्रेलर आने वाला है, सॉन्ग आने वाला है और पूरी की पूरी मूवी आपको 22 दिसंबर को मिलने वाली है। देखो पहले क्या कहा जा रहा था कि सालार में दो ट्रेलर आने हैं, बट ऐसा नहीं है। साउथ के डायरेक्टर कभी भी अपने मूवी के दो ट्रेलर नहीं निकालते, इट मीन्स ये कि वो अपनी मूवी का कॉन्टेंट इतनी आसानी से रिवील आउट नहीं करते हैं। तो भाई साहब ट्रेलर के लिए इंतजार है, बहुत इंतजार है। आप लोगों को कितना इंतजार है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते अगली वीडियो में, चलिए।